जय श्री राम दादा। जय राम जी। रूट 99 के एक नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है और हम लोग आए हैं यहाँ अम्हा बांध में। अम्हा यहाँ से मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है। सौरभ के साथ मैं आया हूँ, मेरे साथ नितिन है, मेरे साथ अमन है और ये दोनों दो बंदे जो वहाँ पे खड़े हैं उनसे भी मिला रहा। और ये है अपने सौरभ, शेरा, सेवा भैया नमस्कार। नमस्कार, किसको वोट देंगे इस बार? जिसको बोल रहे उसकी वोट, उसी की। इस बार पंचायत चुनाव में सेवा खड़े हो रहे हैं, इनको भारी मतों से विजयी बनाए झाड़ूदार के लिए। झाड़ूदार के लिए। और ये भी डलेगा, ऐसा नहीं कि ये डलेगा भाई, अपना चुनाव चिन्ह है गाइस, गोबर गोबर, सभी लोग गोबर माना, गोबर सुबह से गोबर गोबर, इसीलिए अब गोबर ही रहेगा। ओ भैया वोट जरूर दें, वोट देने और भाई वोट देने के बाद भी गोबर रहेगा, वोट देने के बाद गोबर दिखेगा नहीं, कंडों के साथ अलग होगा। यहाँ से हम लोग जाएंगे इस ऊपर, अब ऊपर चढ़ाई करेंगे। नहीं है सौरभ, गाइस बहुत दिनों बाद आपको नितिन कैमरे में और अपने चैनल में देखने मिला है। नितिन जी हाय, मेरा देखना ना ऑडियंस, नहीं ऑडियंस आपको बहुत याद कर रही थी। अरे यार क्या करें यार, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था मेरे को, मैं नहीं नहीं जिम्मेदारी नहीं, मैं थोड़ा हॉस्पिटल में आज भर्ती था कुछ देर के लिए, अब आ गया हूँ वापस। तो हॉस्पिटल में क्यों था? कुछ नहीं यार, थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो आ गया मैं भाई। भोलेनाथ के दर्शन तो कर लो। और यहाँ पे है गाइस भोलेनाथ बैकग्राउंड में, इसके पीछे इस यहाँ पे ये मंदिर है या फिर ये क्या है किसी को पता नहीं। जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं लेकिन अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन करने। दान पेटी भी है, पर ये ऐसी पेटी है ना। हाँ हाँ, नितिन जी ने दान दिया है। नितिन नितिन बहुत सी है यहाँ पे, पूरी किसकी होंगी भैया? मैं भी एक मिनट गाइस, अपने पास भी है कुछ कि नितिन की बहुत कुछ मांगा भाई, जैसे बहुत तरक्की करनी है अपन लोगों को, तो ये भी और मेरी जो बिट्टू है के अपलोड करूंगा, मिल जाए करूंगा अपलोड करी, तुम बोल दो तो कर दूंगा, नहीं बोलो तो नहीं करूंगा। थोड़ा बहुत क्लिप कर देना जो अरे हमारा आज का विनर विनर है आज का, देखो वो दोनों कहाँ पे चढ़े हैं, सौरभ और अमन सेवा पर जाने के लिए, इस तरफ से भी हैं इस तरफ से भी, यहाँ पे घंटा लगा रहा होगा यहाँ पे, वो भी चोरी हो गया होगा। हम लोगों की करंट लोकेशन है गाइस मोहंद्रा से, यहाँ से मोहंद्रा से 5 किलोमीटर दूर अम्हा, यहाँ पे अम्हा डैम, ये बहुत फेमस डैम है अपने मतलब मोहंद्रा के एरिया का, तो बहुत फेमस डैम है। और जंगलों के बीचों बीच पहाड़ में मंदिर बना हुआ है, और जंगलों के बीचों बीच पहाड़ में मंदिर, ये मंदिर हो या फिर कुछ हो इसका क्लियर नहीं है किसी को भी, मंदिर है और देखिए मेरे चारों और इस तरफ डैम है, जानवरों का कोई भरोसा नहीं, इस तरफ डैम है, बड़ा डैम है गाइस, बहुत बड़ा डैम है। यहाँ से आपको यहाँ ये दिख रहा है ना, वहाँ पे देखो ये सा यहाँ का ऊपर का मंदिर, मैं एक अंदर से आपको और बता दूं, यहाँ पे ऐसी दीवारें हैं, दीवारों में सब जगह किसी ना किसी का नाम लिखा हुआ है, लव बर्ड्स बहुत आए हैं यहाँ पे। एक और अंदर एक कमरा है छोटा सा, खंड ही खंड है इस कमरे में,
ये देखो खिड़की कितनी प्यारी है। अरे यहाँ पे देखो ये लकड़ी की वो लगी हुई है, इसको ऊपर का क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, सपोर्टर लगे हैं, बहुत बड़े बड़े सपोर्टर है गाइस। और मैं आपको बाहर से दिखा दे रहा एक व्यू। एक मिनट हम भी आ रहे हैं, एक मिनट रुको, एक मिनट भाई। यहाँ पर देख सकते हो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, चारों तरफ जंगल है, दोनों साइड से सीढ़ियाँ लगी है। ये है मंदिर। मैं और नितिन दो जन बस बचे हैं, हम दोनों भी जा रहे हैं। ये लो गाइस अमा, ये अमा का मंदिर है गाइस, बहुत पुराना मंदिर है। जो जो मेरे चैनल से बहुत पहले से जुड़ा है उसको याद हो, यहाँ पे एक सीन शूट किया था मैंने और ऋतिक ने। यहाँ पे मंदिर उस टाइम पे, हाँ इसका काम चल रहा था। ये रहा गाइस मंदिर अमहा का। अब इसके आगे हम लोग जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे अपन? कुआं ताल, जहाँ का मेला पूरे पन्ना जिले का सबसे बड़ा मेला है। अरे अरे बस थम जा, नागवाणी लेके जाएगा के। आ चुके हैं गाइस हम लोग कहाँ पे, कुआं ताल मंदिर। अभी इसमें पोताई हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पे मार्बल, मार्बल देखो गाइस अभी रखा हुआ है। यहाँ पे मार्बल पत्थर बहुत सारे रखे हुए हैं, काम जारी है। जहाँ भी मैं जाता हूँ ना गाइस काम ही चलता है। अभी कुंडलपुर गया था ना तो वहाँ पे भी काम चल रहा था, यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी काम चल रहा है। ये मार्बल है गाइस, पूरा मार्बल का पत्थर। मंदिर के दर्शन कराए, साइड में हनुमान जी हैं, हनुमान जी की प्रतिमा दिख रही, उनका भी आपको दर्शन कराते हैं। अच्छा यहाँ पे सुनने में आया कि विश्वकर्मा जी का मंदिर बना था, तो सोचा शायद आगे, या फिर मेरे को कंफर्म लोकेशन पता नहीं है लेकिन बन रहा है वो, देखते अगर होगा तो। ये टंकी डली हुई है फूटी, ये सब मेले के टाइम की है सर गाइस, मेला भी नहीं। ये रहा गाइस मंदिर, अभी इसमें छपाई की कमी है, मतलब ऊपर छपाई की कमी है और यहाँ पे नीचे और थोड़ा और सिस्टम होगा, इसमें नीचे फर्श होगा, यहाँ पे वो कमी है। ये विश्वकर्मा जी का मंदिर है, वो अंदर जाके दिखा रहा कितना क्या अभी बना है कि नहीं। वहाँ बैठने के लिए स्थान है, यहाँ से आपको नहीं दिखाई दे रहा, और बस यही है। ये सब डिज़ाइन निकली है, ज़्यादा बड़ा है नहीं और उतना काम हुआ भी नहीं। और चलते हैं, अपने दोस्त भी वहाँ पे हैं उनके पास। और नितिन कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है भाई यार, अब जाना भी है तो। नितिन कुछ दिनों बाद चला जाएगा मोन्द्रा छोड़ के फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो यहीं तक का है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। और हाँ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात, एक मिनट में उसका कैमरा अच्छे से होल्ड कर लूँ। हाँ बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो।